हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है एडवांटेज ऑफ होल्डिंग कंपनीज, राइट? तो होल्डिंग कंपनीज के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है। आप अगर हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जो कि कॉमर्स की पाठशाला। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो बेल आइकन है इसे दबाना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके ये जो बीकॉम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद आपको एक छोटा सा पेमेंट करना है। इस पेमेंट को करने के बाद आप हमारे चैनल का मेंबर बन पाएंगे। जैसे ही पेमेंट को आप कर लेंगे, नीचे की तरफ आप जाएंगे, आपको मोर अबाउट पर्क्स में एक व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, ये जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है इस ग्रुप को। तो आपको पेमेंट करने के बाद हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स यू विल गेट अगर आप इस प्लान को लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको असाइनमेंट्स के लिए कहीं भी कुछ नहीं है दिमाग खराब करने की अपनी जरूरत आवश्यकता नहीं है। मैं आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। आपको नोट्स जो है 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे अगर आप बाय करते हैं। नहीं बाय करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि वीडियोस में बनाते रहता हूँ, उन सारी वीडियोज को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप ऐसे भी पास कर जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट सर्विस अंटिल यू पास द एग्जामिनेशन। जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आप हमारे पास से आपको 24/7 सर्विसेज मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और आपके जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आस्क मी टू मेक एनी वीडियो लाइक ऑन डिमांड लेक्चर्स यू कैन आस्क मी टू मेक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कॉल मी फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट इफ यू नीड, देन यू कैन कॉल मी एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा आप जो है जब भी स्टडी करें तो हमारे प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोज है, देखो यहाँ पे है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की। इसके अंदर ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इन सारे वीडियोस को आपको एक एक करके वॉच करना है और एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक व्हिच इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज, राइट? तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या है भाई। ओके बच्चा बाड़ी, देखो फिर। सो बेटर क्वालिटी डिसीजन, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है ना होल्डिंग कंपनी का, ये होता है कि लोग डिसीजन लेने में ना बहुत ही अच्छे होते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का डिसीजन लोग हमेशा लेते हैं। होता क्या है देखो, तो होल्डिंग कंपनीज अलाउज द बेटर क्वालिटी डिसीजन टू ऑल एट ऑल लेवल्स ऑफ द कंपनी, है ना। होल्डिंग कंपनी एक तरीके से अलाउ करती है कि हर एक लेवल पे जो है एक बेहतर क्वालिटी का डिसीजन जो है लिया जाए। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया, एक अच्छी क्वालिटी का डिसीजन जिसका इंपैक्ट जो है कंपनी के ऊपर पॉजिटिव पड़े, लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी अच्छे तरीके से काम कर पाए, राइट। द होल्डिंग कंपनी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज एंड द ऑपरेटिंग लेवल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, है ना। होल्डिंग कंपनी जो होती है वो कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन द कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, जो भी बनाई जाती है कंपनी के थ्रू, जो भी कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है वो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करती है अपनी कंपनी में। और जो उनका जो ऑपरेटिंग लेवल्स होता है उस लेवल पे उन सब चीजों का जो भी उनकी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी है उसको वो इंप्लीमेंट करती है, राइट। और सबसे पहला जो सबसे बड़ी जो बात है जो पॉलिसी का, वो ये होता है कि बेटर क्वालिटी डिसीजंस जो है ये लोग लेते हैं। होल्डिंग कंपनीज जो होती हैं वो बेटर क्वालिटी डिसीजंस लेती हैं। नाउ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनका बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन जो है होल्डिंग कंपनीज कर पाती है। हर तरह की कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती। जो बेटर क्वालिटी डिसीजंस लेना, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, ये होल्डिंग कंपनी के एक तरीके से विशेषता होती है। लोग इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। होल्डिंग कंपनीज फैसिलिटेट द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंपनीज। द होल्डिंग कंपनी पूल्स द रिसोर्सेज ऑफ ग्रुप एंटरप्राइजेस, है ना। तो होल्डिंग कंपनी जो है इस काम में काफी माहिर होती है। वो यूटिलाइजेशन करती है बहुत अच्छे तरीके से अपने फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज का। फाइनेंशियल तो आपको पता है, जो कि पैसे वाले रिसोर्सेज है, नेट प्रॉफिट आपका रिजर्व है कोई, उसका बहुत अच्छे तरीके से वो जो है यूटिलाइजेशन करेगी। साथ साथ जो अदर रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो गया या फिर अदर तरह के रिसोर्सेज हो गया, उसका भी जो है कंपनी के बिहाफ पे वो जो है होल्डिंग कंपनी वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल जो है करती है, यूटिलाइजेशन जो है वो करती है। होल्डिंग कंपनी जो कंपनी है वो पूल द रिसोर्सेज ऑफ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज, जो ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेज होते हैं वहां से वो रिसोर्सेज निकाल करके लाती है। रिसोर्सेज ही होते हैं ना जिनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो ये रिसोर्सेज को वहां से लेकर के आती है और निकाल करके लाने के बाद उनका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल वो करती है और कंपनी को आगे की तरफ लेकर के जाती है। नाउ होल्डिंग कंपनी का एक और जो तीसरा जो एडवांटेज है वो ये होता है कि ये इसका जो मेथड है, इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल, यहाँ पे जो मेथड ऑफ कंट्रोल का जो एक्वायरेशन है वो बहुत ही आसानी से हो पाता है। थ्रू दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्पेंड लेस इन एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ द अदर कंपनी, है ना। तो इस मेथड के तहत कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को एक्वायर कर सकती है बहुत ज्यादा दिमाग ना लड़ाए हुए, ठीक है ना। तो ये जो मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके तहत
कोई भी कंपनी स्पेंड लेस है ना, उनको ज्यादा खर्चे भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्पेंड लेस इन एक्वायरिंग द कंट्रोल ऑफ द अदर कंपनी, अदर कंपनी को एक्वायर करने के लिए उनको ज्यादा खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इफ यू आर अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। रिड्यूसर्स कॉम्पिटिशन, होल्डिंग कंपनी जो होती है वो कॉम्पिटिशन को एक तरीके से रिड्यूस करती है। सो कॉम्पिटिशन अमंग द टू कंपनीज इज टोटली एलिमिनेटेड एज बोथ द कंपनीज आर मैनेज बाय द सेम ग्रुप, है ना। तो सपोज कोई दो कंपनी है जिसका हेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, तो जो दोनों कंपनी होगी भाई वो अगर आपस में कॉम्पिटिशन कर रही है तो उस कॉम्पिटिशन को जो मेन कंपनी है वही एक तरीके से हटा देगी। मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा, फोक्सवैगन का आपने नाम सुना होगा, जिसे वोक्सवैगन लोग बोलते हैं, उसकी कंपनी का मैं नाम आपको गिनाऊं, डुकाती, लंबोर्गिनी, पोर्शे, आपको यकीन होगा ये सारी अलग अलग कंपनीज नहीं है, इन सबको वोक्सवैगन चला रहा है। तो वोक्सवैगन का अपना तो कुछ है नहीं, वोक्सवैगन को लाइक ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी गाड़ियां बिके ना बिके क्या फर्क पड़ता है, बाकी सारी गाड़ियां तो लाइक करोड़ों में बिक रही है, समझ रहे हो आप। तो जो कॉम्पिटिशन है उसको ये रिड्यूस करता है एक तरीके से, कि आपस में कॉम्पिटिशन करने की जरूरत नहीं है, गाड़ियां बेहतर बनाओ, ब्रांड का नाम अच्छा बनाओ और फिर उनको सेल करो, राइट। इजी राइड, इजी रिड ऑफ सब्सिडियरी, इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू ओके इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ द सब्सिडियरी इट कैन इजिली डू बाई सेलिंग द शेयर ऑफ द सब्सिडियरी इन द ओपन मार्केट, है ना। तो सपोज कोई होल्डिंग कंपनी है, उसके पास कोई सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब जो उसकी उसकी छोटी कंपनी है जिसको मैनेज कर रहा है, तो सपोज उसको उस कंपनी को सेल करना है, उसको उस कंपनी को नहीं चलाना, उसको लॉस हो रहा है या फिर किसी भी अन्य रीजन से उसको वो सेल करना है, तो वो बहुत ही आसानी से मार्केट में जाकर के उसको सेल करता है। उसको करना क्या है कि उसको अपनी कंपनी के सारे शेयर जो है वो बेच देने होंगे मार्केट में, है ना। तो जो खरीदेगा उसके पास जो है सब्सिडियरी कंपनी की जो है कंट्रोल ओनरशिप जो है वो आ जाएगी, राइट। तो बहुत ही आसान होता है होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडियरी कंपनी से एक तरीके से पीछा छुड़ाना, जो भी जो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही होती है। साथ ही साथ आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। छठा नंबर एडवांटेज यही है, सेपरेट आइडेंटिटीज आर मेंटेन्ड बाय बोथ द कंपनीज सो दे कैन अवेल ऑल द टैक्स बेनिफिट्स बाय कैरिंग आउट देयर लॉसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, है ना। तो जो सेपरेट आइडेंटिटी यहाँ पे मेंटेन करने की बात की जा रही है बाय बोथ द कंपनीज, और यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो अपने पिछले साल के यू नो जो लॉसेज है उसको भी ला करके इस साल के लॉसेज से जो मर्ज करके, या इस साल सपोज आपको प्रॉफिट हुआ है आपको टैक्स नहीं पे करना है तो पिछले साल के लॉसेस को दिखा करके आप अपना टैक्स बचा सकते हो, राइट। होल्डिंग कंपनीज के पास ये जो है ऑप्शंस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंट मैनेजमेंट। होल्डिंग कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, राइट। इट बिकम्स इजियर टू मैनेज बोथ द कंपनीज एज बोथ द कंपनीज मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटीज, द इंक्रीज ऑफ द दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ पे ना आसान हो जाता है दोनों कंपनियों को मैनेज करना, बिकॉज दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग है, राइट। और दोनों अपने लेवल पे काम कर रही है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी उनको बन पड़ रहा है वो कर रही है, वो काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो इस केस के कारण, ऐसा होने के कारण दोनों कंपनी जो कि एफिशिएंटली काम कर रही है तो कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मैनेजमेंट है उसका तो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, लोग बोलेंगे भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना। तो वाकई में ऐसा होता भी है कि होल्डिंग कंपनी अगर आपके पास है, आपके अंडर में अगर सब्सिडियरी कंपनी है और दोनों को अगर आपने बोला कि भाई अपने अपने काम को अच्छे से करो संभालो, तो उन लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। साथ ही साथ आपके मैनेजमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों आपस में कॉम्पिटिशन लाइक खुद के साथ ही वो कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, राइट। तो ये हमारा सातवां पॉइंट था, आगे चलते हैं। इनहेंसेस कॉर्पोरेट प्लानिंग, ओके। सो होल्डिंग कंपनी जो है कॉर्पोरेट प्लानिंग को एनहांस करता है, कैसे करता है भाई देखते हैं। द होल्डिंग कंपनी इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉर्पोरेट प्लानिंग एक्विजिशन एंड अपडेट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेट कल्चर ऑन बिजनेस प्रिंसिपल, है ना। तो बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है जो होल्डिंग कंपनी होती है वो कॉन्सेंट्रेट करती है कि किस तरीके से वो यू नो कॉर्पोरेट प्लानिंग एक्विजिशन अपडेट टेक्नोलॉजी इन सब चीजों के ऊपर वो काम कर सके, और वो काम करते भी हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, ठीक है। मैनेजरियल एंड कॉमर्शियल कल्चर, तो होल्डिंग कंपनी में जो मैनेजरियल और कमर्शियल कल्चर होता है वो बहुत ही एवन क्वालिटी का होता है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी प्रमोट्स द कमर्शियल एंड मैनेजमेंट कल्चर इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। जो होल्डिंग कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो एक तरीके से प्रमोट करता है कमर्शियल और मैनेजरियल कल्चर को, ना कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को। ब्यूरोक्रेटिक में जो नौकरशाह होते हैं ना भाई वही सारे मजे लेते हैं, बाकी सारी जो लोग काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज उनको बहुत दिक्कत होती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है। जो होल्डिंग कंपनी होती है वहां पर जो तरीके से वो लोग प्रमोट करते हैं कमर्शियल और मैनेजरियल कल्चर को, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा होता है और कंपनी के मालिकों के लिए भी अच्छा होता है, राइट। सो दीज आर द 9 एडवांटेजेस ऑफ द होल्डिंग कंपनी। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।